जय श्री श्याम दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से आपको ये लास्ट टाइम जो है अपना यूटिलाइज करके चलना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जनरली बच्चे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर लेते हैं, उनको ना एक पैनिक शुरू हो जाता है कि मेरा कोर्स नहीं हुआ, कोर्स करना शुरू कर देते हैं। कोर्स पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप ये समझिए कि 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे वो कोर्स करने पे फोकस्ड हैं। आप एक चीज़ बताओ, अगर आप 3 दिन खाना ना खाओ और चौथे दिन मैं आपको 4 दिन का खाना इकट्ठा खिला दूँ तो क्या आप खा पाओगे? नहीं। सेम वे चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कोर्स करने की एक अपनी क्षमता होती है, एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने थोड़ी कम पढ़ाई करी तो आप एंड मोमेंट पे आके बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको थोड़ा एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है लास्ट समय में, रिविजन प्लस कोर्स, मतलब कुछ समय आपको रिविजन को देखते हुए चलना है। कम से कम हर बच्चा 1 से 2 घंटे रिविजन को देना शुरू कर दे। अब ये किस तरीके से करनी है रिविजन, देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने जो अपने पुराने नोट्स बना रखे हैं उसको जो है आप गो थ्रू करिए। बेशक 2 घंटे के अंदर 3 से 4 चैप्टर, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी रिवाइज होता है उसको रिवाइज करिए, और 2 घंटे से ज्यादा समय देने की भी जरूरत नहीं है अगर आपका कोर्स पेंडिंग चल रहा है। और सबसे बढ़िया तरीका, जिन बच्चों के पास परफेक्ट रिविजन बुक पहुंच चुकी है वो परफेक्ट रिविजन को 1 घंटा पढ़े इन रिस्पेक्ट ऑफ दो चैप्टर जिनका कोर्स उनका ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी जो 1 घंटा है उसके अंदर वो क्या करें, नोट्स को थोड़ा सा अपना पढ़ें। ये 2 घंटे का टाइम आप बढ़ा करके मैक्सिमम 4 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आपका 70% तक कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो आप 4 घंटे रिविजन और बाकी टाइम 6 से 7 घंटे कोर्स कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी इक्वली बेनिफिट फॉर यू। सो अब परफेक्ट रिविजन बुक, बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ सीए फाउंडेशन इंडिया, आप लोग इसे बना चुके हैं। इसके अंदर जो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना चाहिए वो सारा का सारा कंटेंट मिलता है। ये आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो एक परफेक्ट रिविजन स्ट्रैटेजी होती है ना, देखो लास्ट का जो समय होता है 2 महीने का वो बहुत मैटर करता है। ये जो आप नोट करिएगा कि किस तरीके से करना है, रोज जो है कम से कम 1 बार आपको परफेक्ट रिविजन बुक पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छे से पढ़ लिए, मान के चलिए उसको 225 से 250 नंबर में तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पूछो मत। उसके बाद अपने कोर्स जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से आप कोर्स को जो है अपना रिवाइज करते रहिए। जो भी आपने बनाया नई चीज करने की मत कोशिश करिए, आईसीआई पे फोकस रहिए, और जो सिर्फ स्ट्रिक्टली परफेक्ट प्रैक्टिस की जो बुक आपको दी गई उसके ऊपर सीमित रहे, उससे ज्यादा कुछ भी एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। वो परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर जितना कंटेंट है सिर्फ उतना आपको प्रैक्टिस करना है, कोई आरटीपी कोई आईसीआई आपको देखने की जरूरत नहीं, उसमें सब कुछ बहुत तरीके से मर्जअप कर दिया गया है। और इसके बाद जो है आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लास्ट के 2 महीने के अंदर कम से कम जो है 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको अकाउंट्स लॉ बीसीआर के सॉल्व करने, और 20 मॉक टेस्ट पेपर मैथ्स स्टेट्स एलआर इको बीसीकी के। मैं बताना चाहूंगा जिन बच्चों ने कोर्स नहीं भी ले रखा, 10 मॉक टेस्ट पेपर हमारी वेबसाइट पे फ्री मिलते हैं मैथ्स स्टेट्स एलआर के, जो आप हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं और वहां पे ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या आती है। तो ये ब्रॉड व्यू है जो आपका होना चाहिए रिलेटेड टू रिविजन, रिलेटेड टू कोर्स। इस तरीके से जो है आप करिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, इफ यू फॉलो दिस चैनल रेगुलरली देन प्लीज मस्ट ऑर्डर दिस परफेक्ट रिविजन बुक, बिकॉज ये समझ लीजिए ये एक आपका संजीवनी बूटी आपके लिए साबित होने वाली है। और जब आप इस बुक को देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस बुक के अंदर ऐसा यूनिक क्या है। इसको आप हमारे नीचे गए लिंक से जो है ऑर्डर कर सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। जय श्री श्याम।